आई एम जस्ट सो ग्लैड कि मुझे ये मिले, ये मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में जैसे बाहर आ गई. सीरियसली ये इतने अच्छे हैं. आई एम इन लव विद दीज फोर प्रोडक्ट्स. वाओ का जो हेयर केयर है, वाओ का जो हेयर ऑयल है, देन वाओ का जो शैम्पू है, देन वाओ का जो कंडीशनर है, एंड देन वाओ का जो हेयर रिवाइटलाइजर है. आई एम इन लव विद दीज फोर प्रोडक्ट्स. इनको खरीदना है देन वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, अमेजन से खरीद सकते हैं. एंड नाउ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो फॉर माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यू एंड ओपिनियन ऑन दीज प्रोडक्ट. हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लुक गॉर्जियस. आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हेयर केयर रूटीन के बारे में, और साथ के साथ मैं रिव्यू करूँगी वाओ के हेयर केयर प्रोडक्ट्स को. तो किसी भी हेयर केयर रूटीन में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चार चीज़ों की. सबसे पहले हमें हेयर को ऑयलिंग करना चाहिए है हफ्ते में 3 दिन, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें हफ्ते में 3 दिन, ऑब्वियसली 3 बार ऑयलिंग किया तो 3 ही बार करनी होगी शैम्पूइंग रूटीन, यानी कि हमें शैम्पू करना होगा. एंड हम शैम्पू करते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं कंडीशनर. तो ये तो हो गया बेसिक वाली चीज़. एंड इसके बाद यूजुअली हम लोग सीरम भी लगाते हैं या फिर लगाते हैं हेयर रिवाइटलाइजर. तो वाओ के पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड बहुत अच्छा रहता है जब हमें एक ही ब्रांड में चारों परफेक्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएं. मेरा रिव्यू जो है वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट होने वाला है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. And as you guys know, I have alopecia. I have extremely dry, rough hair. मैंने recently partial alopecia के hair care routine पर video बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे मेरी scalp के लिए natural shampoo लगाना पड़ता है, but उससे मेरे hair बहुत dry हो जाते हैं, तो मुझे फिर उसके लिए कोई conditioning shampoo भी लगाना पड़ता है. But after I found this wow shampoo, मुझे सिर्फ एक शैम्पू से परफेक्टली जो मैं चाहती हूँ मुझे वो मिल जाता है. सो दिस इज़ वाओ स्किन साइंस एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू. तो ये जो एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, एक तो जो प्रोडक्ट बिल्डअप होता जाता है ना हमारे बालों में, जो हम बार बार शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं और जो भी चीज़ें लगाते हैं, तो उससे हमारे जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करते. तो प्रोडक्ट बिल्डअप को हटाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने एप्पल साइडर विनेगर की वीडियो में भी बताया है. बट हमेशा ऐसा फिजिबल नहीं होता है कि आप एप्पल साइडर विनेगर और पानी के मिक्सचर को बाथरूम में लेकर के जाएं और अलग से आप एक स्टेप करें 5-10 मिनट के लिए. ऐसा हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इस शैम्पू के अंदर तो ऑलरेडी एप्पल साइडर विनेगर है, तो आपको अलग से वो स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा. मेरा हेयर केयर रूटीन का जो टाइमिंग है वो इन प्रोडक्ट की वजह से आजकल बहुत कम हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है. ये जो वाओ हेयर केयर शैम्पू है, इसके अंदर DHT ब्लॉकर्स भी है, पैराबेंस नहीं है इसमें, सल्फेट्स नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है. और DHT ब्लॉकर्स है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं वो कई कबार बॉडी में हाई हो जाते हैं, दैट इज़ मेल सेक्स हार्मोन. वो मेल्स में तो हाई हो सकता है, बट वो फीमेल्स में भी कुछ मात्रा में होता है. फीमेल्स में भी समटाइम्स अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझ में थोड़ा सा हाई है, तो उससे क्या होता है आपको हेयर लॉस होने लग जाता है. तो वो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इतना ज़्यादा हमारे बालों के ऊपर इफ़ेक्ट ना दे, स्काल्प पे इतना प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए DHT ब्लॉकर जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है. और इस शैम्पू के अंदर DHT ब्लॉकर है, तो आप अपने इस शैम्पू को 2-3 मिनट के लिए अपने स्काल्प में छोड़ दें, तो आपका जो वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाएगा, हेयर फॉल आपका इससे कम से कम होगा, एंड जिसकी वजह से आपको ओवरऑल हेयर ग्रोथ की भी के भी अच्छे चांसेस हैं. ये शैम्पू जो है बहुत अच्छे से लैदर करता है, बहुत ही अच्छे से फोम बनाता है, बालों को ये ड्राई नहीं करता है. मैंने बिना कंडीशनर के, बिना हेयर ऑयलिंग के भी शैम्पू को लगाया है, तो भी मेरे बाल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और अच्छे हो गए हैं. बिना कंडीशनर के भी ये शैम्पू चल जाता है. बट इफ इन केस यू आर स्विचिंग फ्रॉम लॉरियल या श्वार्ज़कॉर्प जैसे क्रीमी शैम्पू से, तो एक बार के लिए आपको स्टार्टिंग में ये हल्का सा ड्राई लग सकता है, बट आफ्टर यू अप्लाई द कंडीशनर एंड आफ्टर आप इसको रेगुलरली लगाने लग जाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है. एंड जो नेचुरल वाले आयुर्वेदिक वाले शैम्पूज होते हैं उनके कंपैरिजन में भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जस्ट वन स्टेप एंड आई एम गुड टू गो. ये शैम्पू बहुत अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है और सिर्फ 500 रुपये का है, प्लस डिस्काउंट्स वगैरह पे आपको 400 का भी अमेज़न पर आराम से मिल जाता है. जितने भी वाओ के प्रोडक्ट्स हैं ये क्रुएल्टी फ्री हैं, USA में फॉर्मुलेट किए गए हैं और हिमालयाज़ में बनाए गए हैं,
देन 100% वीगन है, पैराबिन फ्री है और सल्फेट फ्री है. तो ये इनकी बात जो मुझे लगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ऑब्वियसली. और शैम्पू लगाने के पहले अगर आप हेयर ऑयल लगाते हैं ओवरनाइट या फिर 2 घंटे के लिए तो वो बहुत अच्छा रहता है. तो यहाँ पर है मेरे पास ये वाओ का 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल. 10-in-1 है ये, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं. फॉर एग्जांपल इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, स्वीट आमंड ऑयल है, मोरक्कन आर्गन ऑयल है, गोओबा ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, भृंगराज है, भृंगराज इज वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ, विटामिन ई है, अगेन बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, रोजमेरी और टी ट्री ऑयल है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये, वर्जिन ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, सारी बालों को स्मूथ करने के लिए, कंडीशन करने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट व्हाट प्रोडक्ट टू यूज़ फॉर माय हेयर एंड व्हाट नॉट टू यूज़. एंड आई एम सो मच लविंग दिस हेयर ऑयल, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है. लाइक ये इतने अच्छे से आपके स्काल्प में हेयर में ब्लेंड होता है, चिप चिप नहीं लगता है बाकी के तेल की तरह, बिकॉज इसका जो ब्लेंड है वो बहुत ही अच्छा है. लाइक अगर मैं अपनी स्किन में लगा रही हूँ तो माय स्किन विल गेट रियली रियली मॉइस्चराइज्ड. स्किन में नहीं लगाना है आपको, ये अपने हेयर में लगाना है, इवन तो इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं स्किन के लिए भी, बट आपको लगाना हेयर में है. खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, नेचुरल सी, ऑर्गेनिक सी, एंड ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बालों में, एंड ये बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से शाइनी बनाता है. एंड इसका प्राइस है 599 MRP, एंड कहीं ना कहीं कम प्राइस पे भी आपको अमेजन पे समटाइम्स ये मिल जाता है. तो ये शैम्पू और हेयर ऑयल का मैंने बता दिया. जब मैं बालों को शैम्पू करती हूँ, लाइक यूजुअली मुझे 2 बार शैम्पू यूज़ करना पड़ता था, चाहे वो सिंगल शैम्पू भी मैं क्यों ना यूज़ कर रही हूँ, बट वाओ का शैम्पू इतने अच्छे से फोम और इतने अच्छे से ऑयल को एक ही बार में निकाल देता है हेवी हेयर ऑयलिंग के बावजूद भी. आई लव दिस शैम्पू, एक ही बार में आपके बाल परफेक्टली स्काल्प बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, इतना अच्छा फोम और लादर बनता है इससे. इसके बाद लेकिन शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना ही चाहिए, बिकॉज बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, ह्यूमिड वेदर होता है, कभी समर्स होती हैं, कभी विंटर्स में ड्राई हो रहे होते हैं, तो कुछ भी हो कंडीशनिंग बालों को बहुत ज़रूरी होता है. हेयर की लेंथ में, स्काल्प में आपको कंडीशनर कभी नहीं लगाना है. तो उसके लिए वाओ का जो कंडीशनर है इसके अंदर ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल है. कोकोनट ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कंडीशनिंग योर हेयर, और नेचुरल होने की वजह से ये बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता है. साथ में इसमें एवोकाडो ऑयल है, एवोकाडो बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर, अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं या फिर आप इसे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं. ये कंडीशनर भी अगेन 495 rupees का है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है कंडीशनर. चाहे आपके कितने ही एक्सट्रीम ड्राई और फ्रिजी हेयर हो, आप इस कंडीशनर को इस्तेमाल कीजिए, आई एम श्योर आपके बाल बहुत खूबसूरत लगेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट. आपको 2-3 मिनट के लिए लगाना है शैम्पू करने के बाद बालों को, आप टॉवल ड्राई भी कर सकते हो और बालों को ऐसे करके हल्का सा पानी को बाहर निकाल दो, उसके बाद आप कंडीशनर को लगाएं, स्काल्प में ना लगाएं, खाली बालों में लगाएं, बालों में आपकी शाइन आ जाएगी. इसमें हेल्दी विटामिंस, मिनरल्स और फैटी एसिड्स हैं, तो इस वजह से बालों को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और ग्लॉसी बनाता है. एंड ऐसा लिखा है, साथ के साथ ये ट्रू भी है, इसके अंदर भी बहुत अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, होबा ऑयल, प्योरीफाइड वाटर और अच्छी अच्छी चीज़ें. थोड़े बहुत केमिकल्स जो ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट्स में डलते हैं वो हैं, बट हार्मफुल केमिकल्स इन प्रोडक्ट्स में नहीं है. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हियर हैव वाओ का 10-in-1 मिराकल हेयर रिवाइटलाइजर. इसमें भी 10 हेयर बेनिफिट्स हैं. फ्रिज टेम कर देगा रूट टू टिप और स्ट्रॉन्ग रूट्स को बनाएगा आपके. देखिए वैसा सिरम नहीं है जो आपको सिर्फ अपने बालों में लगाना है, इट इज़ अ हेयर रिवाइटलाइजर, और एक बैरियर बना देगा बालों में, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, ब्रेकेज प्रोटेक्शन करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, लस्टर देगा, हाइड्रेशन देगा बालों को. और ये क्लेम्स इन्होंने लिखे हैं और ये एक्चुअली ट्रू है. डैंड्रफ कंट्रोल वाला इतना नहीं है, बट बाकी के एक्चुअली ट्रू है. लाइक इट इज़ रियली रियली गुड फॉर योर हेयर. आप इसको अपने स्काल्प में भी छिड़क सकते हो बाद में भी, जब आप शैम्पू करके कंडीशनर वगैरह लगा करके आ जाते हो, आफ्टर यू टॉवल ड्राई योर हेयर, हल्के हल्के बाल आपके गीले हैं, हल्के हल्के आपके ड्राई हैं, उस टाइम पे आप इसको खोलो और ये स्प्रे बॉटल में आता है, बहुत ही कन्वीनियंट पैकेजिंग है, 200 ml इसका क्वान्टिटी है, 599 rupees का. ऐसे करके आपको अपने बालों में इसको स्प्रे करना है,
लाइक पूरे बालों में अच्छे से, देन उसके बाद बस बालों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो आप, एंड आपके बाल जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे, टैंगल फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आपको कॉम करने में भी ईजी रहेगा, टूटेंगे नहीं बाल। और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इसमें बहुत प्यारी खुशबू है, इस वजह से ये आपके बालों को बहुत अच्छा बनाएगा। एंड एक ही बार में लगाने में देखो कितने प्यारे हो जाते हैं बाल, बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और अच्छा बनाएगा। लाइक आप रेगुलर हेयर सीरम जिनमें मेनली केमिकल्स होते हैं उनको स्विच करके डेफिनेटली आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें सैफ्लार है, आंवला है, हॉर्स चेस्टनट सीड है, लाइक घोड़े का कुछ नहीं है, इट्स अ फ्लावर का सीड एक्चुअली। और इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन F, टी ट्री एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी, और ये सारी अच्छी अच्छी 100% नेचुरल बोटानिक एक्टिव्स हैं जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, शाइनी और ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करता है। इन चारों प्रोडक्ट्स में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी मैं ज़रा सी भी आपको एक कमी निकाल के बता पाऊँ। इसमें एक भी कमी नहीं है, फ्रॉम पैकेजिंग टू प्राइसिंग टू क्वांटिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो शैम्पू और कंडीशनर है 300 ml के हैं, और जो ऑयल और रिवाइटलाइजर है ये 200 ml के है। अच्छी खासी क्वांटिटी है, आपको लंबे समय तक चलने वाला है, एंड दिस इज़ सो गुड कि आई एम श्योर कि मैं बार बार लेने वाली हूँ और बार बार इस्तेमाल करने वाली हूँ। आई टोटली लव्ड ऑल फोर ऑफ दीज, एंड मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बाय द डीप ऑफ माई हार्ट आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दीज आउट। अगर आपको लगता है कि एक ही बार में आप सारे नहीं लेना चाहते हैं, एक लेकर के देखना चाहते हैं, देन गो अहेड, कोई भी एक लेकर के देख लीजिए, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, एंड देन आप वापस से ज़रूर खरीदेंगे। 100% ऑनेस्ट ओपिनियन है ये मेरा, एंड आई पर्सनली लव्ड दीज। लाइक मेरी, वैसे मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरी स्काल्प बहुत ऑयली है, आई हैव पार्शियल एलोपेशिया का प्रॉब्लम, एंड मेरे हेयर जो है वो बहुत ड्राई, ब्रिटल और फ्रिजी हैं, बट दीज प्रोडक्ट्स आर सो गुड, स्काल्प को ऑयलीनेस से बचाते हैं एंड हेयर को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट रखते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, लुक गॉर्जियस, एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, स्टे हेल्दी।